अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साहिल ट्रक्स में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। सऊदी अरब के आज के दो बड़े अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देख ले। आज के वीडियो में कोरोना वैक्सीनेशन का सेकंड डोज रिलेटेड अपडेट के साथ साथ एक और भी बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे सऊदी अरबिया में मुकीम गैर मुल्कियों को अब तनख्वाहों का कोई भी मुश्किल सामने नहीं आएगा। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देख ले। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाले हैं कोरोना वैक्सीनेशन का सेकंड डोज। सऊदी अरबिया मिनिस्टर ऑफ हज एंड उमरा की जानिब से जारी करदा अपडेट के मुताबिक जिन लोगों को हज के इजाज़तनामे मिले हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों की मोहलत है ताकि वो अपना कोरोना वैक्सीनेशन का सेकंड डोज जो है वो ले सके। अगर इन्हीं 24 घंटों में वो कोरोना वैक्सीनेशन जो सेकंड डोज नहीं लेते तो उनके इजाज़तनामे, उनके परमिट जो है वो कैंसिल किए जाएंगे। आपको बताता चलूं कि इसके लिए आपको किसी भी तरह की बुकिंग, किसी भी तरह की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी करीबी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में जाके अपना इजाज़तनामा, परमिट दिखाकर आप कोरोना वैक्सीनेशन का सेकंड डोज जो है वो ले सकते हैं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे की मोहलत है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं सऊदी अरबिया में मुकीम वो गैर मुल्की हजरात जो कि अक्सर तनख्वाहों से परेशान रहते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे गैर मुल्की हजरात हैं जिनके तनख्वाहें एक एक साल के भी फंसे हुए हैं। ऐसे में सऊदी अरबिया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट का काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पर वो इदारे जिनमें कारकुनान की तादाद 10 से कम है, किसी भी तरह की तनख्वाहों में बिलावजह कटौती, तनख्वाहों में बिला जो मतलब तनख्वाह में ताखीर आपके बैंक अकाउंट में जमा नहीं होते, तो ऐसे में फ़ी कारकुन उसे 3000 रियाल जुर्माना जो है वह किया जाएगा। इसी तरह वो इदारे जिनमें कारकुनान की तादाद 10 से ज़्यादा है तो उस पर फ़ी कारकुन 5000 रियाल का जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा। मतलब जितने ज़्यादा लोगों के तनख्वाहें जो है वो पेंडिंग होंगे उतने उस जो है वो शर्के उस इदारे पे जो है वो जुर्माना बढ़ेगा। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि तनख्वाह आपकी हक है। अगर आपको आपकी सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, बिलावजह उसमें कटिंग होती है, तो आप बग़ैर किसी झिझक के मिनिस्ट्री के पोर्टल पे जाके शिकायत जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल आपका हक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह।